नमस्कार साथियों, दोबारा स्वागत है आज जनमंथन में। चुनाव का दौर चल रहा, अलीगढ़ में कल मतदान हुए। चुनावी दौर में राजनीतिक हलचल जिस तरीके से तेज रहती है तो समाज के अंदर भी एक हलचल बन जाती है। समाज में एक अलग अलग तरीके की विचारधाराओं की लहरें उठती हैं। क्या ये लहरें कहीं से उठती हैं या अपने आप स्वतः पैदा होती हैं? लेकिन एक कहा जाता है कि साहित्य और साहित्यकार, व्यंग या व्यंगकार, कवि या रचनाकार ही ऐसी लहरों को पैदा कर सकता है। और जनमंथन के माध्यम से हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं राजनीति पर ऐसे लोगों का प्रभाव। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजनीति पर साहित्य का प्रभाव। और चूंकि अलीगढ़ है, हम अलीगढ़ से बात कर रहे हैं और अलीगढ़ में राजनीति के साथ साथ साहित्य की भी बहुत बड़ी भूमि और कर्मभूमि रही। तो ऐसे में मैं एक परिचय कराना चाहता हूँ एक ऐसे साहित्यकार का, एक ऐसे व्यंग्यकार का, एक ऐसे रचनाकार का, जो नाम अपने आप में ही एक, अपने आप में ही नहीं कहेंगे, एक ऐसा अंजुम, एक ऐसा आयाम है जो अपने आप में एक विश्वविख्यात नाम। जी हाँ, हमारे साथ हैं आज साहित्यकार, व्यंग्यकार कहूँ या क्या कहूँ, अशोक अंजुम जी। स्वागत है अंजुम जी। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। जैसा कि मैंने कहा, एक व्यंग्यकार, एक रचनाकार, एक कलाकार हमारे साथ है। तो अशोक अंजुम जी तो है साथ में, लेकिन अशोक अंजुम जी से ही जानते हैं कि वो अशोक कैसे हैं और अंजुम कैसे हैं। देखिए, अशोक भी ऐसे ही हूँ जैसा देख रहे हैं आप, और अंजुम भी वैसे ही हूँ जैसा देख रहे हैं आप। देखिए, वैसे तो मैं अशोक कुमार शर्मा मेरा है, अंजुम मेरा तखल्लुस है। और ये तखल्लुस यानी कि उपनाम मुझे बहुत बड़े साहित्यकार ने दिया है। यहाँ एक बड़े गीतकार हुए डॉक्टर रविंद्र भमर, एक कार्यक्रम में उन्होंने, चूँकि मैं पहले गज़लें लिखा करता था, गज़लें से शुरुआत हुई मेरी, और गज़लों के साथ साथ व्यंग, गीत और तमाम तरह की चीज़ें वो बाद में सब जुड़ती चली गई। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये अंजुम जुड़ा। अंजुम का मतलब वैसे होता है स्टार से, सितारा। तो एक ऐसा सितारा, अगर मैं अपने नाम को व्याख्यायित करूँ, अशोक, जिसमें शोक ना हो, शोक रहित सितारा, मतलब जो सबको रोशनी बांटे, कहीं टिमटिमाता रहे आपके सानिध्य में। क्योंकि साहित्यकार से पाला पड़ा है तो प्रश्न भी हमारे तो पत्रकारिता वाले प्रश्न होंगे, लेकिन उत्तर जरूर जो है व्यंग्यात्मक भी हो सकते हैं, हास्यात्मक भी हो सकते हैं। तो एक संजीदा व्यंग्यकार, एक के साथ साथ एक नया सामंजस्य, क्योंकि आजकल फ्यूज़न का ज़माना है, तो एक संजीदा हास्य कवि हमारे बीच में है। तो अभी आपकी एक रचना मैं देख रहा था, तो एकदम आपने हास्य से शुरू किया और कहीं ना कहीं समाज की एक संजीदा पिक्चर को भी प्रेजेंट किया। तो उस लाइन शायद मैं कहीं बीच में भूल जाऊं तो दिखते हैं लहू, आप ही से सुनना चाहूँगा। दरअसल बहुत पुरानी ये गज़ल है और उर्दू में इसे हज़ल कहते हैं। हज़ल मतलब जिसमें हास्य के साथ साथ चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। तो इसका मतलब यूँ है कि हुस्न की आरजू में खड़े हैं, हुस्न की आरजू में खड़े हैं, जाने मन हम भी क्यों में खड़े हैं, जाने मन हम भी क्यों में खड़े हैं। और जो जो शेर आपने कहा उससे पहले है, एक दो शेर और याद आ रहा है कि है इस कदर घर में किच किच है यारो, इस कदर घर में किच किच है यारो, है भरम जैसे जू में खड़े हैं। और दिखते हैं जो सत्ता में अंजुम, जिसके लिए आपने इशारा किया, दिखते हैं वे जो सत्ता में अंजुम, भीग कर क्यों लहू में खड़े हैं। तो राजनीति कहीं ना कहीं हम नेपथ्य में देखते हैं तो तमाम तरह की मारकाट, तमाम तरह की खींचतान, तमाम तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, राजनीति के पीछे कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो और आज के समय में तो शुद्ध एकदम निर्मल चरित्र वाला कौन आपको सामने मिलेगा हमें। तो चूँकि अलीगढ़ के अंजुम और अलीगढ़ की राजनीति पर कुछ छोटी सी चर्चा। अलीगढ़ की राजनीति पर देखिए, राजनीति तो सब जगह की एक ही जैसी है, कहाँ अलीगढ़ की, कहाँ कहीं किसी और जगह की आप लेंगे। लोगों की समस्याएं वही हैं, उन्हें सड़कें चाहिए अच्छी, उन्हें पानी चाहिए बेहतर, उन्हें बिजली चाहिए, और ये सब जगह चाहिए। लेकिन यहाँ की राजनीति में थोड़ा सा, चूँकि यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ एक पुरानी परंपरा हिंदू और वो सारी चीज़ें हैं, अलीगढ़ वाली है।
तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक खींचतान वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो अलीगढ़ उनसे अछूता नहीं। राजनीतिक तौर पर जो अलीगढ़ की एक संप्रभुता रही है, एक एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक दखल हमेशा देखने को मिला अलीगढ़ का, और साहित्य का भी दखल देखने को मिलता है। क्योंकि आप साहित्य के हैं तो एक बड़ा मन में एक प्रश्न कुलबुलाहट ले रहा है, और आप हास्य और व्यंग दोनों से जुड़े हैं, तो शादीशुदा अखिलेश और बाबा के बीच में कैसा नाता पाते हैं? शादी देखिए, बाबा बाबा हैं, अखिलेश अखिलेश हैं। अच्छा, शादीशुदा और बिना शादीशुदा होने का कोई वो नहीं है। देख, अखिलेश का अपना एक परिवार है, और परिवार के कितने सारे लोग राजनीति में हैं, लेकिन वही बाबा बाबा हैं, अकेले हैं, संत प्रवृत्ति के हैं। और संत का राजनीति में आना कहीं ना कहीं ये तो है ही है कि वो कमाएगा और बचाएगा तो किसके लिए। चर्चा जो है जनमंथन में, चर्चा राजनीति के साथ साथ हास्य और व्यंग्य की भी है, और कल चुनाव हो चुके हैं, थकान लोग मिटा रहे हैं, सारे पत्रकार बंधु भी आराम कर रहे हैं, प्रशासनिक अमला भी थोड़ा आराम कर रहा है, और साहित्य और व्यंग्य का एक चर्चा जो है जारी है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रश्न जरूर पूछूंगा डॉक्टर अंजुम साहब, कि पिछले 5 साल के सरकार को कितने अंक, कि पिछले 5 साल की सरकार को कितने अंक दिए जाएं? जी देखिए, ये तो है कि पिछले 5 साल में हमें तो याद है कि 5 साल से पहले बिजली के लिए तरसते रहते थे, है ना, कई कई घंटे रात को चली गई और छत पे मच्छर खा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि बिजली आए। अभी माननीय ने घोषणा की कि 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। भाई दोगे तब जब बिजली आएगी आपकी सत्ता में, तो हमने ऐसा देखा है। और इसके अलावा सामाजिक परिदृश्य में भी हम देखें तो चीज़ें सुधरी हैं, और जो एक अनैतिकता का एक मारा मारी का सा जो एक बना रहता था वातावरण, उससे कहीं ना कहीं निजात तो मिली है, है ना, एक अच्छा वातावरण हमें देखने को मिला है। मतलब कवि हृदय खुश है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल खुश है। हालांकि मैं मंच पे कहता हूँ कि राजनीति और कवियों का जो है कि राजनीति का बिगड़ा सब परिवेश दिखाई देता, दूध के धुले तो देखो सब नहीं है, है ना, कि राजनीति का बिगड़ा सब परिवेश दिखाई देता है, रिश्ते नातों में भी ईर्षा द्वेष दिखाई, अभी चाचा भतीजे भले मिल गए हों लेकिन राजनीति का यही परिदृश्य है कि राजनीति का बिगड़ा सब परिवेश दिखाई देता है, रिश्ते नातों में भी ईर्षा द्वेष दिखाई देता है, नेताओं में और कवियों में इतना अंतर है यारो क्या, कि उनको कुर्सी दिखती हमको देश दिखाई देता है, उनको कुर्सी दिखती हमको देश दिखाई देता है। बिल्कुल, बहुत देश प्रेम की बात। साहित्य का जो असली मंतव्य होता है वो एक मानवता और देश प्रेम से जुड़ी हुई बात होती है, और साहित्य ने हमेशा जोड़ा, संगीत ने हमेशा जोड़ा, रचना ने हमेशा जोड़ा, व्यंग्य ने हमेशा जोड़ा। लेकिन एक छोटी सी चर्चा बीच में चूहल भरी कि कवि की गली क्यों कीचड़ भरी, इस पे कुछ कहेंगे? अब कवियों की गलियां तो हमेशा कीचड़ भरी रही हैं, क्योंकि एक देखिए कबीरदास जी ने कभी कहा कि सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो जब कवियों को हमेशा रोना ही रोना है क्योंकि वो समाज को देखता है, क्योंकि वो उन समस्याओं को देखता है, और फिर जब वो समस्याएं उसके मन पे कहीं तारी हो जाती हैं तो फिर उसकी बेचैनियां बढ़ जाती हैं, और वो कोशिश करता है कि इन समस्याओं से कैसे भी समाज को निजात मिले। तो भली वो कवियों की गली हो चाहे कोई और गली हो, जब उसे गलियां टूटी फूटी नज़र आएंगी, रास्ते टूटे फूटे नज़र आएंगे, तो वो अपनी कलम चलाएगा, भाई तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। चूँकि ये चूहल मैंने दर्शकों को बता दूँ इसलिए कहा कि कुछ दिन पूर्व एक छोटी सी बात रही, कुछ नाराज़गी थी जनता की, उसको लेकर के अशोक साहब ने एक पूरी तरीके से उस बात को सामाजिक पटल पर लाए, और उसका एक तरीके से माननीय विधायक जी को, जो इनके क्षेत्रीय विधायक जी हैं, उनको उस बात को सुनना पड़ा और मानना पड़ा। तो ये भी एक अपने आप में एक अनूठी पहल कहूँगा मैं, कि अगर साहित्यकार एक बार सड़क पर आ गया
तो कहीं ना कहीं एक कलमकार अगर कहीं सड़क पर आ गया, चूंकि आपकी और हमारी बिरादरी कुछ कुछ एक है, मैं पत्रकार हूं और आप साहित्यकार हैं, तो मैं कलमकार की एक शब्द इस्तेमाल करूंगा कि कलमकार अगर अपनी जगह आ गया, अपनी सड़क पर आ गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा, एक प्रसंग मुझे याद आ गया, बड़ा चर्चित प्रसंग है कि संसद भवन से नेहरू जी निकल रहे थे और साथ में थे दिनकर साहब, तो वहाँ नेहरू जी थोड़ा सा लड़खड़ा गए, तो दिनकर ने उनको संभाला। तब दिनकर ने कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे सहारा देता है। हमारा बहुत अच्छी बात, और यही बात हम इस जनमंथन के माध्यम से, चूंकि आपने देखा हमने समाज से जुड़े हुए लोगों का भी बातचीत इसमें करी है, व्यापार से, बिल्डर वर्ग से बातचीत करी है, और आज बहुत बड़े साहित्यकार, अलीगढ़ का एक नहीं पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ हमारे कार्यालय में है। चूंकि सत्ता जो है साहित्य के साथ जुड़ी रही, और सत्ता इस समय कहीं ना कहीं भाजपा की है, तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार और एक तरफ डबल एमए हमारे अशोक अंजुम जी, क्या कहना चाहेंगे? डबल एमए अंजुम जी, एमए तो छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें जहां तक भाजपा की सरकार है तो सरकार में सब ठीक ही है। अंजुम अब अगर अपने दोनों एमए को भी ध्यान में रख करके देखता है तो सारी व्यवस्था नहीं, मैंने जब डबल एमए का एक मैं तात्पर्य क्लियर कर दूं, हर चीज़ जब डबल है, चूंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है और डबल एमए होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त संजीदगी की मैंने बात करी, तो उस संजीदगी के साथ से आप भाजपा की सरकार को आपने अच्छे अंक दिए पिछले प्रश्न में, लेकिन आगे इस डबल इंजन की सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर आई तो? सबसे बड़ी बात तो ये मुझे लगता है कई बार कि कुर्सी पाकर के हम फिर कहीं ना कहीं, वो एक क्षणिका मुझे याद आ रही अपनी कि चुनाव से पहले नेताजी ने जनता से अनेकानेक वादे किए, चुनाव से पहले नेताजी ने जनता से अनेकानेक वादे किए, ये कहते हुए कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, चुनाव से पहले नेताजी ने जनता से अनेकानेक वादे किए ये कहते हुए कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, चुनाव के बाद अक्सर ही रहे मौन, बोले तो बस इतना कि हम आपके हैं कौन। तो ये जो हम आपके हैं कौन वाली जो स्थिति है, यही दिक्कत पैदा करती है कि एक संवाद लगातार बने रहना चाहिए। जैसा कि आपने हमारे यहाँ के विधायक जी की बात की, तो वो विधायक जी, देखिए मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, चीज़ें सब हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो विधायक जी कभी हमारी तरफ आके, हम मैंने तो 5 साल में अपने क्षेत्र में उनके दर्शन कभी नहीं किए, और तमाम चीज़ें ऐसी होती रही, तो एक संवाद बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम आपके हैं कौन जो 5 साल बाद ही नज़र आए आपको और आप कहें कि हम आपके हैं, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। लगातार एक आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच के एक प्राणी हैं आप, तो जनता के सेवक भी हैं आप, तो आपको लगातार एक वो संवाद बनाए रखना होगा। आपका काम केवल उद्घाटन करना नहीं होना चाहिए, आपका काम केवल जाकर के मुख्य अतिथि बन गए और भाषण दे दिया दो एक आध जगह, उससे नहीं चलता है। आप समस्याओं को लगातार देखते रहें, उनके निवारण में लगे रहें, यही मेरा संदेश मैं देना चाहूँगा जो हमारे प्रतिनिधि जो भी चुने जाने हैं उनसे। जैसा कि आप स्थानीय स्तर पर, आप एक बात आपने अपने माध्यम से कहनी चाहिए, क्या आपको लगता है MY फैक्टर ही आज भी हावी, मोदी योगी फैक्टर? जी, इसमें तो दो राय नहीं है, दोनों ही, ये हमारे, मैं इसको सौभाग्य मानूंगा। हालांकि जब खुल के बात कही जाती है तो तमाम जो विरोधी पक्ष है वो मोदी भक्त और योगी भक्त कहने लगता है, तो भक्त कह दे कि अच्छी बात है, अच्छे काम हो रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ों के समाधान हो गए जो पिछले आज़ादी के बाद से जिनकी ओर हम मुंह बाए खड़े थे, उनको देख रहे थे कि ये समस्या समाधान हो ही नहीं सकता है, चाहे वो राम मंदिर की समस्या हो, चाहे कश्मीर की समस्या हो, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसका प्रभाव समाज पे तो है, और मैं उसका निरंतर उस संदर्भ में कहें और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ठोस निर्णय लेने वाली सरकार ये रही है, हैं दोनों ही की, चाहे वो केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, तो जो निर्णय लिए गए हैं वो बिल्कुल ठोस निर्णय लिए गए हैं और लेते जाते रहे हैं। स्थानीय नेताओं से थोड़ी सी कहीं तकलीफ, एक सामाजिक नहीं, एक मुद्दा ऐसा भी था जो भाजपा के 58 सीटों के चुनाव पर देखने को मिलता चला जा रहा है और मिला भी है, शायद आगे के चरणों में जो चुनाव हो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले, चूंकि ये तो सत्ता है, राजनीति है, चलती रहेगी,
लेकिन साहित्य है और अशोक अंजुम जी साथ है, तो अंजुम जी का बहुत कुछ, अंजुम जी ने इस समाज को दिया है, कुछ ऐसे आप कहें कि किताबें ऐसी दी हैं, कुछ नीरज जी का साहित्य इन्होंने के साथ, नीरज जी के साथ इनका बहुत बड़ा सानिध्य रहा है, तो कुछ चर्चा उस पर भी मैं चाहूँगा अंजुम जी। जहाँ तक नीरज जी की बात है, ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि नीरज जी का प्रेम मुझे, नीरज का जो चमत्कार है, मैं चूंकि मंचों पे बहुत कितने सारे कवि सम्मेलनों में उनके साथ जाता रहा मंच पे उनके, ये मेरे है ना बड़ी सौभाग्य की बात रही। तो नीरज जी का एक जो ऑरा था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो जो मंच पे पहुंचते थे बाहर के कार्यक्रमों में, यहाँ तो जैसी स्थिति थी वो तो थी ही, तो लोग एकदम अरे नीरज जी, नीरज जी, मतलब एक अलग तरह का उनका, और उनका स्नेह मुझे मिलना। एक बार उन्होंने कहा कि अशोक एक काम करना है कि एक गजल संग्रह यार हम लोग दोनों तैयार करते हैं, और वो गजल संग्रह ये हो कि जो आज के समय के बिल्कुल चुने हुए हिंदी में जिन्होंने गजलों पे काम किया है, ऐसे गजलकारों को हम लोग रखेंगे। तो उनका निर्देशन रहा, सभी से संवाद मेरा रहा, संपर्क मैंने किया और सबके, तो करीब 21 गजलकार उसमें हैं, हिंदी के लोकप्रिय गजलकार, उस किताब के हम दोनों संपादक हैं। तो ये उनके साथ इस तरह से नाम जुड़ना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनके प्रेम गीतों का संपादन मैंने किया। अच्छा जी, ये जो पहली किताब मैंने जिसका जिक्र किया, हिंदी के लोकप्रिय गजलकार, ये हिंद पॉकेट बुक्स ने छापी और अभी पेंगुइन उसको छाप रहा है और उसके 8-9 संस्करण से ऊपर निकल गए हैं। दूसरी है किताब घर प्रकाशन ने, जो जिसका संपादन मैंने किया नीरज के प्रेम गीत, उसमें नीरज जी के प्रेम गीतों को मैंने लेकर के और एक किताब तैयार की है। ये तो एक हो गया, मैं एक पत्रिका निकालता हूँ उसके सलाहकार संपादक नीरज जी रहे, मेरी तमाम किताबों का लोकार्पण उन्होंने किया, मेरी तमाम किताबों की भूमिका उन्होंने लिखी, सो उनका प्यार उनका स्नेह तो मिलता ही रहा। बाकी और भी जितने रचनाकार हैं, मंच की बात करूं तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसके साथ मेरा कवि सम्मेलन ही है, मंचों पे जिनके साथ कविता पाठ नहीं किया, कोई भी हो, चाहे आज के बड़े नाम कोई भी ले लीजिए आप। और पत्र पत्रिकाओं में हिंदी की शायद ही कोई पत्रिका ऐसी बची हो जो अशोक अंजुम को जिसने न छापा हो। मेरी 25 मौलिक किताबें आ चुकी हैं, मौलिक बोले तो जिसमें कि 9-10, अब मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता, 9 शायद गजल संग्रह हैं, कुछ 7-8 हास्यव्यंग कविताओं के हैं, 2 गीत संग्रह हैं, नाटकों के कई संग्रह हैं, 2 दोहा संग्रह हैं। दोहे की एक किताब प्रिया तुम्हारा गांव, वो बड़ी चमत्कारिक किताब रहे विशाल जी, उस किताब को यहाँ अलीगढ़ नुमाइश का 1,01,000 का नीरज पुरस्कार मिला है, 2014 में। उस किताब को 2014 के ही आसपास लखनऊ में धर्मयुग पुरस्कार, एक पत्रिका निकलती धर्मयुग, सॉरी राष्ट्रधर्म, राष्ट्रधर्म पुरस्कार, तो वो जो राजधर्म पत्रिका उसके कवि अटल जी भी संपादक रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में दीनदयाल उपाध्याय जी भी उसके संपादक रहे हैं, उस पत्रिका की ओर से दिया जाता है, तो वो एक बड़ा पुरस्कार राष्ट्रधर्म गौरव उस किताब को मिला। और अभी पिछले वर्ष कैलकाटा में 18 दिसंबर का एक कार्यक्रम था, काव्य वीणा 51,000 रुपये उसमें थे, तो बड़ा वो, और मैं उसे पलट के देखता हूँ किताब को, ऐसा क्या है इसमें चमत्कारी में कर गया हूँ या लिख गया हूँ या ऊपर वाले ने करा दिया है कि ये इतनी ज़्यादा लोगों को और इसके समीक्षकों को निर्णायकों को ये किताब भाती रही। तो ये सारी उपलब्धियाँ रही हैं और लगातार चल रहा है सिलसिला। नहीं, बहुत अच्छी बात है और बहुत एक अच्छा लगता है जब एक अलीगढ़ शहर जो कि तालीम का शहर है। हाँ, एक बात बीच में जरूर, आपने एक गीत लिखा है अलीगढ़ पे, उसकी दो लाइनें हमें जरूर चाहिए। ये गीत भी 2014 के आसपास ही आया था, दैनिक जागरण ने दरअसल एक प्रतियोगिता आयोजित की थी और उस प्रतियोगिता के अंतर्गत अली मतलब करीब हिंदुस्तान भर के 12 शहरों से गीत जगह जगह वहाँ सब मंगाए गए थे, तो 12 शहरों में एक अलीगढ़ भी था, उसमें मैंने भी अपनी एक प्रविष्टि भेज दी और उसमें मुझे बाद में पता लगा कि 700 से ऊपर लोगों के गीत आए थे, तो निर्णायकों को कहीं 2 गीत पसंद आए, उन सारा सब खुद 700 में से 2 गीत, जिसमें एक मेरा था और एक सैयद मोहम्मद असलम करके एक अच्छे रचनाकार यहीं के हैं अलीगढ़ के। अब उस पर क्या था कि वो मैसेज से उसको वोटिंग होनी थी, तो वो वोटिंग में कहीं मेरा गीत
आगे निकल गया। फिर उस गीत को अमित कुमार, जो किशोर कुमार के बेटे हैं, उन्होंने उसको आवाज़ दी, और आदेश श्रीवास्तव जिन्होंने बागवां और तमाम और मूवीज़ में संगीत दिया है, उन्होंने उसमें म्यूजिक दिया है। और वो बहुत उस समय पूरे शहर में वो तमाम सीडियां उसकी हजारों की संख्या में देने के आगर ने बंटवाई, बहुत उसका काफ़ी समय तक बड़ा रौला रहा। तो उसका मैं वो सुनाता हूँ आपको, आपको अलीगढ़ शहर ये अलीगढ़ शहर हमारा ये प्यारा अलीगढ़ शहर, अलीगढ़ शहर ये अलीगढ़ शहर हमारा ये प्यारा अलीगढ़ शहर, पूछते हो भला इसमें क्या बात है, यहाँ भाईचारा है विश्वास है, हैं तजरीब के ऊंचे किरदार भी, है नीरज यहाँ है शहरयार भी, धड़कता रहे ये दिलों में उम्र भर अलीगढ़ शहर ये अलीगढ़ शहर हमारा ये प्यारा। हालांकि मैंने यहाँ एक शब्द जो मैंने अपने ओरिजिनल गीत में लिखा था वो शहरयार ही लिखा था, वो बाद में उन लोगों ने गड़बड़ कर दी, उसमें हैं नीरज यहाँ हैं शायर भी, तो शायर नहीं था मेरा, शहरयार था, वो उसमें फ्रेम में भी बिल्कुल सही बैठ रहा था, पर कहीं 80-20 की राजनीति तो नहीं, हाँ पता नहीं क्या 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 रहा कि वो शहरयार की जगह उन्होंने शायर कर दिया। शायद 80-20 की राजनीति का कोई शिकार हो गया ये गीत भी, शायद 14 ही शुरुआत थी भाजपा की और 14 का ही आपका गीत है और राजनीति का शिकार हुआ। खैर, एक बहुत चर्चा, चूंकि साहित्यकार समाज का प्रतिबिंब है, समाज कहाँ है वो साहित्य की जो रचना होती है, जो शब्द होते हैं उनसे बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि मेरे साथ अशोक अंजुम जी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि समय आपका भी और काफ़ी हमने समय भी लिया है, कहीं ना कहीं एक मैसेज, चाहे सरकार कोई भी बने, ये हमारे जनमंथन कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ज़रूर दिलवाना चाहते हैं ताकि सरकार हमारी सुन सके, जो भी बने राजनीति से ऊपर उठ के, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ एक ऐसी बात जो करे एक साहित्यकार चाहता है, एक साहित्यकार समाज को क्या मैसेज देना चाहता है? सरकार किसी की भी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे प्रियंका जी हो, कोई भी हो, लेकिन साहित्यकार क्या चाहता है सरकार से? साहित्यकार सरकार से क्या चाहता है? साहित्यकार सरकार से, सत्ता से यही चाहता है कि समाज में जो, देश में जो समस्याएं हैं उनका देखिए साहित्यकार का हर व्यक्ति यही चाहता है उनका निराकरण हो, और साहित्यकार अपने व्यक्तिगत स्तर पर जाते तो यही चाहेगा कि उसमें कहीं जो बुद्धिजीवी वर्ग है, साहित्यकार वर्ग है, उसको थोड़ा सा उसकी भी बात सुनी जाए ढंग से, और उसका कहीं ना कहीं अगर इम्प्लीमेंट किया जा सके तो उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। और जहाँ तक व्यक्तिगत स्तर पर, मैं चार पंक्तियाँ और सुनाना चाहूँगा कि साहित्यकार क्या, बड़ा हर व्यक्ति की ओर से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति से को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जाए इस पार से उस पार से खुशबू आए, जाए इस पार से उस पार से खुशबू आए, प्यार की सारे ही संसार से खुशबू आए, पैरहन आपने कपड़े पैरहन आपने महका तो लिए इत्रों से, पैरहन आपने महका तो लिए इत्रों से, बात तो तब है कि किरदार से खुशबू आए। चाहे वो राजनीति का चरित्र हो, चाहे समाज के लोगों का, हम सबका चरित्र हो, उसको इस तरह का होना चाहिए कि उसकी सुगंध सारे संसार में, सारे जहां में फैले। और जहां तक देश की, समाज की बात है, तो इकबाल साहब ने बहुत पहले कह दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। उन्होंने आगे कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कोई बात है हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें इस तरह से जोड़े रही है और इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाती रही है कि पूरे विश्व में इसने, इसका डंका बजता रहा।
बहुत अच्छी लाइन है, देश में खुशबू, और एक बहुत बारीक बात, हर किरदार से खुशबू आए। राजनेताओं के लिए, राजनीति करने वालों के लिए एक ये मूल मंत्र, एक साहित्यकार का जनमंथन से मथा हुआ शब्द कि हर किरदार से खुशबू आए, हर राजनेता से खुशबू आए। खुशबू क्या है? सामाजिक समरसता की खुशबू बिल्कुल है, बिल्कुल आपसी सौहार्द की खुशबू है, शहरयार को शायर ना करना पड़े ये खुशबू है, हम 80-20 की बात ना करें ये खुशबू है। समाज में हर वर्ग हमारा है, हिजाब या भगवा पर कोई जंग ना हो, ये शायर चाहता है। और शायर किसी देश का नहीं होता, किसी प्रदेश का नहीं होता, वो तो शायर होता है, हर दिल का होता है, हर रग में बसता है। काहे की रस्सा कसी, मेरा बहुत ये दोहा चर्चित रहा कि काहे की रस्सा कसी, काहे की तकरार, सब धर्मों का सार है प्यार, प्यार बस प्यार। ये प्यार आपस में बना रहे, सौहार्द हमारा आपस में बना रहे, साहित्यकार तो यही चाहता है। सहित, साहित्य क्या है? सहित, सबके हित की बात करने वाला। फिर उसमें वो ऊंच नीच नहीं देखता, वो उसमें धर्म जाति नहीं देखता, वो उसमें देखता है इंसानियत, मानवता। नीरज जी ने तो कहा कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। निश्चित रूप से इंसानियत का जो मजहब है वो सारे मजहब से ऊपर है। हम लोग इंसान हैं और उस इंसानियत की सेवा में लगातार और निरंतर और आखिरी सांस तक लगे रहें, यही हमारा दायित्व है और कर्तव्य नहीं, आपकी आपकी जो बात है वो हमारे दर्शकों के माध्यम से सरकार तक पहुंचे, आने वाली सरकार के हर किरदार से खुशबू आए। मन तो है कि अशोक अंजुम जी को और सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और कहते ना कि हर किरदार से खुशबू आए, ऐसे मंथे हुए शब्द भी और आते रहे, पर समय समय का प्रबंधन एक आवश्यक चीज़ है। तो चलते चलते ये एबी लाइव के दर्शकों को कुछ एबी लाइव के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि एबी लाइव जो परोस रहा है उसको ध्यान से सुने और उसका मंथन करें। मैं चार पंक्तियाँ कहता हूँ कि वक्त ने सवाल किया, कि वक्त ने सवाल किए, हम जवाब ले आए। आप सबके सवालों को एबी लाइव उनके उत्तर के रूप में आप तक पहुंचा रहा है कि वक्त ने सवाल किए, हम जवाब ले आए। दिन में जो भी देखे थे सारे ख्वाब ले आए, दिन में जो भी देखे थे सारे ख्वाब ले आए। आप ध्यान से सुनना बात हम दीवानों की, आप ध्यान से सुनना बात हम दीवानों की, क्या पता कि बात कोई इंकलाब ले आए, क्या पता कि बात कोई इंकलाब। तो हमारी बात आपके दिल तक पहुंच जाए, यही हमारा आशय है, ये भी ही ए बी चैनल का आशय है, न्यूज़ का आशय है। तो अब तक बात पहुंचाना चाहते हैं, आप बात को ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक अंजुम जी, बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ आपने एबी लाइव के लिए एक समर्पित पंक्तियाँ भी हैं और हमारे दर्शकों के लिए भी जो सर्वोपरि हैं, साथ ही एक अच्छे किरदार की उम्मीद, और कौन सी सोच और कौन सा शब्द साहित्यकार का एक इंकलाब ले आए। इंकलाब कोई और इंकलाब नहीं है, सोच का इंकलाब है। एक सार्थक सोच पैदा हो समाज के अंदर, एक सार्थकता आए, इसी सोच के साथ मैं आप सभी का और खासकर अशोक जी का और हमारे दर्शकों का, हमारे साथ दर्शकों में डॉक्टर साहब आदि सब लोग बैठे हैं, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक समय दिया। और एबी लाइव की जो ये पहल है जनमंथन, कहीं ना कहीं मत के एक सार्थकता को आप तक पहुंचाए, एक चटनी, जो चटनी जो है ना स्वाद भी दे और समझ भी दे राजनीति को, उस चटनी को परोसने के लिए हम आपके साथ हैं। मैं विशाल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक अंजुम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।